और इस वक्त की एक बड़ी खबर, उन्नाव गैंगरेप मामले से जुड़ी हुई पीड़िता की अस्पताल में मौत हो गई है। बता दें सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता का उपचार जारी था। गुरुवार को लखनऊ से जब दिल्ली एयरलिफ्ट कर पीड़िता को लाया गया तभी हालत बहुत गंभीर बनी हुई थी। 90% गैंगरेप पीड़िता जल चुकी थी। जी हाँ, उन्नाव में रेप पीड़िता को जिंदा जलाया था आरोपियों ने। पूरे मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। 5 आरोपियों पर जिंदा जलाने का आरोप है। 90% पीड़िता जल चुकी थी रात 11:40 पर। कल देर रात पीड़िता ने आखिरी सांस ली। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, मेरे गुनहगारों को छोड़ना मत। वो जीना चाहती थी, गुनहगारों को फांसी पर झूलते देखना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया। आपकी बहन ने आपसे कुछ बात की, क्योंकि कहा जा रहा था वेंटिलेटर जाने से पहले कुछ कहा उसने, क्या कहा? उसने ये बात कहा था कि भैया हमको मरने मत देना। हमने कहा आपको मरने नहीं दिया जाएगा, अगर मर गया तो समझो खेल खत्म हो गया, अगर मरना होता तो कल को मर गया होता, लेकिन भगवान ने बचा दिया है तो अब तुम जिंदा हो, तुम चिंता मत करो। तो फिर हम गले मिले और कहने लगे भैया ये बात बताओ जो 5 मुलजिम थे वो पकड़े गए कि नहीं। हमने कहा बेटे मेरे नज़र के सामने पकड़े भी गए हैं और अंदर भी हुए। इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्नाव की एक बेटी वेंटिलेटर तक पहुंच गई और इंसाफ मिलने से पहले ही वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार देर रात करीब 11:40 पर उन्नाव गैंगरेप पीड़ित ने दम तोड़ दिया। लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में पीड़िता को रखा गया, बावजूद इसके पीड़िता की जान बचाई नहीं जा सकी और शुक्रवार देर रात करीब 11:40 पर पीड़िता ने दम तोड़ दिया। उन्नाव गैंगरेप पीड़ित की मौत हो चुकी है। गैंगरेप पीड़िता को आरोपियों ने जिंदा जला दिया था। करीब 90% जलने के बाद भी वो चट्टान की तरह खड़ी रही, इंसाफ मांगती रही, जीने की आस को जिंदा रखे हुए थी, लेकिन ये इंसाफ की आस इंतजार में ही खत्म हो गई। हैदराबाद गैंगरेप केस में आरोपियों के एनकाउंटर के बाद पीड़िता के परिवार ने जहां इसे इंसाफ बताया, वहीं उन्नाव गैंगरेप पीड़ित इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गई। 5 दिसंबर की सुबह पीड़िता को 5 आरोपियों ने जिंदा जला दिया था। जलते शरीर के साथ करीब 1 किलोमीटर तक भागकर पीड़िता ने लोगों की मदद से पुलिस को आपबीती बताई। गंभीर हालत में झुलसने के बाद पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। बात क्या है कि ये डबल मर्डर है। एक मर्डर तो उन लोगों ने किया जिन्होंने गैंग रेप किया और फिर उनको जिंदा जलाया, और दूसरी मर्डर यूपी सरकार ने किया, उनकी पुलिस ने की। क्योंकि आप सोचे इस लड़की ने कितने चक्कर काटे थानों की, कितने चक्कर कि हमारे FIR दर्ज करो, नहीं किया। कोर्ट गई, खुद अपनी हिम्मत करके खुद कोर्ट गई, लेकिन बेल इन्होंने दिलवा दिया। किसने दिलवाया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दिलवाया बेल। उसके बाद लड़की का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, और आज जब यहाँ एयरलिफ्ट किया एक यूपी ऑफिशियल यहाँ नहीं पहुंचे। उन्नाव रेप और हत्या के प्रयास के मामले में जांच के लिए ASP की अध्यक्षता में एक SIT का गठन कर दिया गया है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई को अधूरा छोड़कर उन्नाव की बेटी ने जिंदगी को अलविदा कह दिया है। लेकिन इंसाफ की लड़ाई की अलग तब तक जलती रहेगी जब तक गैंग रेप के मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।